कान्हा ऐसे ही खींचते रहो, कान्हा ऐसे ही खींचते रहो। राम तुम? यशोदा वो देखो तो बच्चे कैसे तैयारियां कर रहे हैं। हाँ जी जी, आज तो सभी बच्चे सुदामा के पीछे ही पड़ गए। प्रतीत हो रहा है कि कान्हा और उसकी टोली सुदामा को उसके संवाद स्मरण करवा के ही मानेंगे। जी जी ये देखिए ना, सीता हरण के लिए इतना बड़ा संदूक ठीक रहेगा ना? हाँ यशोदा ये ठीक रहेगा। नारायण की कृपा से चैत्र नवरात्र के ये चार दिन कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। हाँ यशोदा, रामलीला के पहले दिन जब लोग कम आए थे ना तो मुझे चिंता होने लगी थी कि हम रामलीला सफलतापूर्वक आयोजित कर भी पाएंगे या नहीं, परंतु अब देखो। यशोदा, रोहिणी भाभी, हम मुझे ऐसा लग रहा है हम जो भी कर रहे हैं आश्चर्यजनक रूप से अच्छा ही कर रहे हैं। आप सत्य कह रहे हैं आर्य। हाँ यशोदा, ये देखो कल की रामलीला के प्रदर्शन के पश्चात हमने इतना द्रव्य अर्जित किया है, और यदि लोगों का उत्साह ऐसे ही बना रहा तो रामनवमी तक महाराज कंस को भेंट स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं देने के पश्चात भी हमारे पास 500 से अधिक मुद्राएं होंगी। हार हाँ ये तो बहुत ही अच्छा है, बच्चों ने अद्भुत कार्य किया है। आज नवरात्रि का पांचवा दिन है ना जी जी, रामनवमी के दिन हम माता की बड़ी पूजा रख लेते हैं। हाँ यशोदा, ये तो अति उत्तम विचार है, तुम देखना सब हो जाएगा। आप दोनों पूजा की तैयारी करो और मैं रामलीला के लिए निमंत्रण का कार्यभार संभालूंगा। हार यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी देवी देवताओं की कृपा दृष्टि हमारे वृंदावन पर ऐसे ही बनी रहे। प्रणाम आराध्य। आराध्य आप सब यहाँ, संपूर्ण देव लोग यहाँ, सब कुशल तो है ना? आराध्य आपको ज्ञात तो है ना कि आज क्या घटने वाला है? हाँ आराध्य, मुझे पता है आज की रामलीला में भरत मिलाप, वनवास और सीता हरण होने वाला है। कंस और गर्दभ ने आज सीता हरण नाट के अध्याय के समय आपका अपहरण करने की योजना बनाई है नारायण, हम सब इस बात से अत्यंत चिंतित हैं। मुझे मामा कंस की योजना के विषय में ज्ञात है देवी सरस्वती। नारायण आपको किसी भी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आप केवल आदेश दीजिए, मैं अभी और इसी क्षण उस तेनुकासुर का वध कर दूंगा। क्या मैं आपको चिंतित प्रतीत हो रहा हूँ? नहीं आराध्य, आपको देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप आने वाली लीला के लिए स्वयं को सज्ज कर रहे हैं। मेरे भ्राता की लीला अपरंपार है, मुझे तो बस अपने भ्राता की लीला का आनंद लेना है। उचित कहा बहना, आप सब मेरी सहायता करने यहाँ आए हैं, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। पर आप सब जानते हैं कि जो भी घटित होता है उसके पीछे एक सीख अवश्य होती है, मेरी लीला से सबको कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। मनुष्यों ने हमेशा हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, इसलिए मैं कृष्ण को मारने के लिए सहमत हुआ। वो हमें गधा यानी निम्न प्राणी समझते हैं, उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। उचित कहा, और मैं ये कार्य केवल अपने लिए नहीं अपितु हम सबके लिए कर रहा हूँ। हमारी समस्त गर्दभ जाति के सम्मान के लिए और हमारे वन और वन के फलों को बचाने के लिए ही कर रहा हूँ। और मैं ये वचन देता हूँ कि आप सबको न्याय दिलाकर ही रहूंगा। धेनुकासुर की जय हो, धेनुकासुर की जय हो। तो सज्ज हो जाओ कालवन में कृष्ण का स्वागत करने के लिए। मैं स्वयं कृष्ण को तालवन में लेके आऊंगा। श्री राम के वनवास जाने का समय हो गया है, चलो।
अपने पिता के वचन को निभाने के लिए प्रभु श्री राम ने वनवास जाने का निर्णय लिया। माता सीता और लक्ष्मण ने भी सब कुछ त्याग कर उनके साथ रहना स्वीकार किया। वनवासी का कर वेश धारण, मांगे विदाई राम सिया लक्ष्मण। श्री राम के वनवास जाने की सूचना जैसे ही भरत को मिली तो वो मन ही मन टूट गया। भरत को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे और क्या ना करे। भरत रोते रोते अपने बड़े भाई श्री राम को रोकने के लिए अयोध्या भागे। भाग गया भरत, भाग गया। नहीं नहीं, वो भागे नहीं, वो भागकर आए थे अयोध्या श्री राम के पास। वो भाग के आया नहीं, भाग गया। क्या हुआ, कौन भाग गया? सुदामा, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, भाग गया। कान्हा, भरत अभी तक आया क्यों नहीं? चलो चल के ढूंढते हैं। कान्हा, कहीं सुदामा को धेनुक तो नहीं उठा कर ले गया? नहीं दाऊ, आप सभी उसे यहाँ ढूंढिए, मैं भी उसे ढूंढता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कान्हा, कुछ ऐसा करो ना कि आज मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो, ना कोई बाधा है और ना ही किसी प्रकार का संकट। यह संवाद पढ़ते समय मुझे निंद्रा ना आए, मेरी सहायता करो कान्हा। कान्हा बताओ ना, सब ठीक होगा ना? हाँ सुदामा, सब ठीक होगा। तो यदि मैं एक बार इसे पढ़ लूँ तो सब ठीक होगा ना? कहीं मैं पुनः मुझसे तो नहीं हो जाऊंगा? नहीं मित्र सुदामा, मुझ पे विश्वास रखो। ठीक है कान्हा, ते प्रिय मित्र पर पूर्ण विश्वास है। सुदामा सच हो जाओ, मित्रा के रूप में एक नई यात्रा की अनुभूति करने के लिए। भरत को यूं छोड़कर नहीं जा सकते। सुदामा कितना सुंदर और सरल अभिनय कर रहा है यार। हाँ यशोदा। भरत जानते थे कि श्री राम का वनवास जाना निश्चित था। श्री राम, यदि आपने निर्णय ले लिया है तो मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला? परंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा, वनवास की अवधि समाप्त होते ही आप एक दिन भी विलंब नहीं करेंगे अयोध्या लौटने में। वचन दीजिए। जानुसपुर, आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे अपनी चरण पादुका मुझे भेंट स्वरूप दे दें। आपकी अनुपस्थिति में मैं आपके चरण पादुका की पूजा करूँगा। जब आप नहीं होगे
खड़ा हुए सिंहासन पर बैठेंगे। ये पादुका अयोध्या का राज चिन्ह होंगे। प्रत्येक दिवस इन्हीं को अपने माथे पर लगाकर आपके राज्य का कार्य आरंभ करूंगा। अपने छोटे भाई के लिए इतना कीजिए। प्रभु श्री राम भक्त भरत उनकी खड़ाव को अपने सर पर लेकर अयोध्या लौट। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बच्चों ने तो हमें रुला ही दिया। सुदामा का अभिनय तो अद्भुत रहा। सत्य कहा आपने आर्य, रामलीला का ये दृश्य पढ़ के मैं जितनी भावुक नहीं हुई थी उससे कहीं अधिक भावुक मैं आज हो गई हूँ। सच में सुदामा ने अद्भुत अभिनय किया है। ये अनुभूति होना तो स्वाभाविक है माते, क्योंकि ये लीला मेरे आराध्य की जो है।